चिनाब के बांगड़माऊ में बांगड़माऊ विकास मंच द्वारा रावण दहन के मुद्दे पर उप जिलाधिकारी बांगड़माऊ प्रदीप कुमार जी ने किया शानदार निर्णय। कुछ दिन से लगातार जनता और भूमि मालिक के बीच माहौल गर्म बना हुआ था। लगभग एक महीने पहले विकास मंच द्वारा उठाया गया था ये मुद्दा, जिस पर उप जिलाधिकारी ने बांगड़माऊ नगर पालिका में बुलाई बैठक। बैठक में उप जिलाधिकारी ने रावण दहन के लिए उन्नाव हरदोई रोड पर एक जमीन निर्धारित की। वहीं राम की लड़ाई लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमेशा की तरह इस बार भी नदरत ही नजर आए। अभी हाल में रावण दहन जहाँ पर शुरू में होता था उसकी उस जमीन को लेकर परिवार के बीच में विवाद हो गया। पूर्व में जिनके द्वारा रावण दहन का आयोजन किया जा रहा था उन्हीं के परिवार के द्वारा ये आपत्ति उठाई गई कि वो जमीन हमारी है, जिसे कोर्ट ने भी माना और वो जमीन वर्तमान में शैलेंद्र सिंह जो जिन्होंने विरोध किया था इसका कि वो जमीन हमारी है और हम अपनी जगह पर रावण दहन नहीं होने देंगे, इन सब के दृष्टिगत रखते हुए चूँकि वो उनकी जमीन थी और कोर्ट ने आदेश में उनके पक्ष में किया था और हमारी रिकॉर्ड में भी उनका नाम खतौनी में दर्ज है, तो इस सब विवादों से बचने के लिए हमने बांगड़माऊ की जनता के लिए एक अस्थायी रूप से हरदोई मार्ग पे उन्नाव हरदोई मार्ग पे एक अस्थायी रूप से गाटर संख्या 1193 मीन जुमला जिसका रकबा लगभग 0.580 हेक्टेयर है को चिन्हित कर दिया है, जहाँ पे बांगड़माऊ की जनता रामलीला मंचन रावण दहन अस्थायी रूप से हमेशा वहाँ करती रहेगी। क्योंकि वो ये जमीन थोड़ा लो लैंड है, नीचे है, तो बरसात में पानी भर जाता है और वहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो इस बार अस्थायी रूप से हमने फायर ब्रिगेड के पीछे हमारी पशु चिकित्सालय के लिए जमीन सुरक्षित है, वहाँ पे साफ सफाई करके वहाँ पे रावण दहन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हमने साफ सफाई आदि व्यवस्था करा दी है।